मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दुर्ग जिला न्यायालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के लिए 2,53,00,000 से स्वीकृत आदर्श ई लाइब्रेरी का लोकार्पण और बार रूम नंबर 4 का भूमि पूजन किया। जिला न्यायालय दुर्ग परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश के अलावा राज्य महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन उपस्थित रही। दुर्ग न्यायालय में बार रूम के लिए और ई लाइब्रेरी के लिए 2,55,00,000 रुपए के आज दुर्ग सौगात मिली है। बहुत दिनों से हमारे बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी मांग कर रहे हैं, आज वो पूरा हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए और जगदलपुर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर पीएससी घोटाले की जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजने के जवाब में सीएम ने कहा कि शिकायत क्या है वो हमें बताएं, हम जांच जरूर करवाएंगे। प्रधानमंत्री तो जुमलेबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री को झूठा बोलना अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन उनके झूठ को लोगों को बताना भी जरूरी है। अरे शिकायत क्या है ये तो बताएं, हम जांच करने की तैयार हैं। हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो बताएं, हम वो भी काम करने की तैयार हैं। लेकिन बिहार में क्या हो गया भाई, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे जीरम घाटी, 15 दिन में पूरा जाँच हो जाएगा, आज तक क्या हुआ? हम जाँच की मांगते हैं वो देते भी नहीं है, ये स्थिति है। वो क्यों प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करेंगे, यहाँ कहते हैं धान मैं खरीदता हूँ अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, सफेद झूठ। अब प्रधानमंत्री झूठा बोले अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन झूठ बोले तो लोगों को बताना भी पड़ेगा झूठ बोल रहे हैं। 5 साल से हम धान भी खरीद रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा भी दे रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ा, खरीदी भी बढ़ा, 20 क्विंटल भी खरीदेंगे। बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना करके केंद्र सरकार के गाल पर तमाचा मारा है कि यदि राज्य जातिगत जनगणना कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के गाल में तमाचा मारा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता। हम लोग तो हेडकाउंट तो कराए हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से लगातार जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार के, क्यों नहीं करा रहे? 2021 से आज 2023 हो गया, हम छत्तीसगढ़ है हेड काउंट करा लिया, बिहार है जाति जनगणना करा लिया, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? तो ये अपने मकसद के लिए काम करते हैं, देश के हित के काम नहीं करते। पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल द्वारा कम को चुनाव को देखते हुए बुलेट पर घूमने के आरोप पर कहा कि पाटन मेरा घर है और मैं वहां पैदल भी चलता हूं, और वहां जहां तक विजय बघेल की बात है तो वो भाजपा में जाकर अब झूठ बोलना भी सीख गए हैं। मैं पाटन में बहुत पैदल भी घूमा हूँ, पाटन मेरा घर भी है, मेरे क्षेत्र में मैं वहाँ के मतदाता हूँ, पाटन के मतदाता रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, और वहाँ पैदल पैदल पता नहीं कितने बार घूमा हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, तो वो भी भाजपा में जाके झूठ बोलना सीख गए, अफवाह फैलाना सीख गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।